रात से आ रहा है देश से, वो उनके शहर में जो चीज़ें मिल रही है ना वो उसको खाने नहीं आ रहा है ना, वो हमारे से कुछ डिफरेंट जा रहा है कि हम उनको कुछ अलग खिलाएं, अलग बताएं, तब वो आपको याद रखेंगे। तो हम तो कभी कोशिश नहीं कर रहे कि हम लोग कोई ऐसी चीज़ें बनाएं जो वहाँ वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हों या उन लोगों को ऑर्डर हमारे हों, है ना। आमले से भी चीज़ें आप बना सकते हैं, आमले का पाउडर बना सकते हैं, लोकल कलेक्शन आपको करनी है, जो चीज़ें आपके चैल चौक क्षेत्र में मिल रही है ना। आप मेरे को ये बताओ कि कितने लोग वृक्षा अपने घरों में रखते हैं, कितने लोग रखते हैं? तो पहले वो खांसी और हाँ। अब मैं ये बोलता हूँ कि औषधीय पौधे अगर आपने लगा लिए तो औषधीय पौधे आप ऐसे पौधे लगाओ जो आप अपने जीवन से शुरुआत करो जिसके इस्तेमाल, ठीक है। अगर सपोज आप सुबह के टाइम उठते हैं, अगर आप अपने घरों में तुलसी लगाते हैं और तुलसी का सेवन आप काढ़े जैसे हम ये पानी पीते हैं, ठीक है ना जी। आपके घर में कोई भी आदमी आता है, अगर आप उसको सादा पानी देते हैं ना, तो उसकी उस आपके घर में आगे आप 100 लोग हैं यहाँ पर बैठे, 100 लोगों ने हमारे को 90 लोगों ने पिलाया सादा पानी और 10 लोगों ने हमारे को जो है वो तुलसी युक्त जो है उसमें 2 ड्रॉप्स डाल के वो पिलाया, तो हमारे को कौन सा याद रहेगा? हमारे को वो याद रहेगा जो तुलसी वाला है। जो हमारे पुराने टाइम में मंजरियाँ बनाते थे लोग, बनाते थे ना सारे दूध की मंजरियाँ बनाते थे, तरह तरह की मंजरियाँ, वो मंजरियाँ अब सारी लुप्त हो गई है, कोई भी बनाता नहीं। लोगों को शर्म महसूस होती है यार क्या मंजरी बिछाई, हमें तो गलीचा बिछाना है, है ना। तो देखो आज के समय में जो आपके पंचायत घर है ना, अब आपका ये मंदिर है, अब इस मंदिर में पर्दे भी लगेंगे मानते हैं, पर जो पर्दे आपके इसमें लगेंगे है ना, तो जो मांजरियाँ होगी ना मांजरी, अब सपोज जैसे ये मांजरी आपकी है ना, तो ये बन गई आपकी टाई की जूट की, ये जो हमारा यहाँ का मांजरी जिसकी बनती थी पतला पतला, एक हुआ ना प्राल, एक हुआ दूजा और क्या हुआ हो गया, एक आपकी और भी होती थी खजूर उसकी। तो आप अगर आप ऐसा मंजरी बनाते हैं है ना, और उसके ऊपर यहाँ से लेयरिंग बनाते हैं बढ़िया, इधर से भी उसको बॉर्डर बनाते हैं है ना, तो वो पर्दे का काम भी कर सकती है आप, है ना। और वो चीज़ ऐसी होगी, वो डिफरेंट चीज़ होगी, मानते हैं आप उस चीज़ को, आप उसको जो है 2x6 का पीस बनाओ है ना, आपने यूँ लटकाया उसके ऊपर हुक्स लगाए है ना, वो आपके पर्दे बनेंगे। जितने भी आपके मंदिर हैं, जितने भी आपके बीडी ऑफिस हैं, सराएँ हैं है ना, उसमें जब आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को आप दे सकते हैं है ना, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलेगा कि ये तो डिफरेंट चीज़ है, उसको शाबाशी मिलेगी उस अफसर को अपने अधिकारियों से, ये आपने जो चीज़ है वो नई चीज़ इस्तेमाल की है। देखो आप अगर अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपने क्षेत्र की चीज़ को प्रमोट करेंगे, तब वो बढ़ेगी आपके, ठीक है ना। और हमारे ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग इन चीज़ों पर कोई नहीं काम कर रहे, पुरानी चीज़ों को सब खत्म कर रहे हैं ना, और आने वाला जो समय है वो पुरानी चीज़ों का ही आने वाला है। जितना भी विदेश में जितने भी लोग हैं वो पसंद करते हैं सब की सब पुरानी चीज़ें, जो पुराना सिस्टम था। आप टोकरियाँ बनाते हैं, अब आपने ये देखा होगा कि अब हम किसी को भी कोई गिफ्ट देते हैं, आज का जो गिफ्ट का टाइम है ना जी, वो गिफ्ट की जगह किसने ले ली, डब्बों में है ना, हर चीज़ डब्बे में पैक हो रही है ना, मानते हैं आप। अब आपके पास आप सपोज कोई ये बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं है ना, तो ऐसे लोग जो लोग बांस से काम करते हैं, आप उनसे डब्बे प्लान कर सकते हैं, ऐसे डब्बे जो जिसमें हवा लगती रहे, ठीक है ना, जालीदार डब्बे या टोकरियाँ टाइप प्लान कर सकते हैं। उसमें आप अगर आप उसमें अपनी सिप्पू बड़ी पैक करते हो है ना, या मशरूम पैक करते हो, उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। और किस किस को रोज़गार मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र के जो बांस से काम करने वाले लोग हैं उनको रोज़गार मिलता है। आप जो जिस आदमी
जो आदमी मार्केटिंग के लिए अपना माल तैयार कर रहा है उसको एक नई चीज़ दिखती है। लोग जब नई चीज़ देखेंगे तो लोग बोलेंगे यार ये तो बड़ी अच्छी पैकिंग है ना। तो आपसे बहुत सारे लोग जो हैं बोलेंगे जी हमारे को भी इस टाइप की चाहिए। अब आप अचार बनाते हैं ना जी, बहुत सारी महिलाएं अचार बनाती हैं, पर कभी आपने ये सोचा है कि हम लोग जो अचार बना रहे हैं हमारा अचार तो कहीं भी नहीं बिक रहा, 10% बिक रहा है। जितने भी होटल्स हैं उन सब में पचरंगा अचार बिक रहा है ना, लाल रंग का है ना, सब जगह कहीं पे भी जाएंगे आप उसमें जब आप अचार का डब्बा खोलते हैं उसमें परौठा आप बाहर निकलते हैं परौठा खाते हैं तो उस डब्बे में क्या मिलता है आपको, सिर्फ आपको गाजर मिलती है ना। पर हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग कभी ये कोशिश नहीं करते कि अगर वो 50 रुपये किलो अचार मार्केट में बिक रहा है तो हम भी 50 रुपये तक का ही अचार बनाएँ और वो बिके। जैसे आप हरी मिर्च आपके पास होती है तो आप हरी मिर्च का मोटा मोटा अचार बनाओ ना, दो तीन दिन में तैयार होकर एकदम बिक जाए है ना। जितने आप महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, आप जो कर्मठ महिलाएं हैं, क्या जिन जिन एरियों में जो जो चीज़ें होती है उसको उसका बढ़ावा दो। आपके पास वृक्षा इकट्ठा होता है और जगह नहीं मिलता कई जगह वृक्षा तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो उस वृक्षे को इकट्ठा करके जहाँ पर भी लोग चाय बनाते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार कोई जोगिंदर नगर में है, कोई सरकाघाट में है, कोई मंडी में है, कोई कुशोक में है, अलग अलग जगह है ना जी। तो आप अपने जो आपके प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पर दें, उनको आप सैंपल्स भेजें कि आप वहाँ से एक पीस तो एक डब्बा तो ले जाओ, जब उनको पसंद आएगा तो लेंगे और आप है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप चीज़ तैयार करते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी लहसुन लगा रहा है तो सारे लोग लहसुन लगाएंगे, अलग अलग चीज़ पे। आप 100 महिलाएँ 10 महिलाएँ एक चीज़ पे काम करें, 10 एक पे करें तो आपके पास 10 चीज़ें बन जाती है, ठीक है ना जी। आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट सारी जगह बाजार में मिल रहा है। आप कहीं पे भी जितने आपके बच्चे हैं जितनी महिलाएँ जो शहरों में रह रही है वो बोलते हैं जी हम तो बाजार से ले लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। कभी आपने कोशिश की कि अदरक और लहसुन का पेस्ट हम अपने आप बनाएँ, अपने आप डब्बे बनाएं है ना। आप अदरक इस्तेमाल करते हैं ना सारे लोग, हम लोग चाय में अदरक इस्तेमाल करते हैं, पर कभी हमने सोचा कि हम अदरक को छिल के उसके स्लाइसेस बनाएं छोटे छोटे, जैसे गर्म पानी है। बहुत सारे होटल्स में क्या होता है कि वो गर्म पानी में वृक्षा हो गया या ऐसा हो गया, तो अगर वो गर्म पानी अगर आप बोलेंगे ना कि अदरक वाला गर्म, हमारे कहने का मतलब ये है ना जी कि आप आज यहाँ से कुछ जानकारी लेके जाएँ और ऐसी जानकारी लेके जाएं जो आपके जीवन में काम आए। ये नहीं कि हम आपको यहाँ भाषण देंगे और खाना खाएंगे, हम भी खाएंगे आप भी खाएंगे है ना, घर जाके हम भूल जाएंगे सारी चीज़ें है ना। तो आप जो है बहुत सारे लोग हैं अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो आप ऐसा कुछ काम करें जो दुनिया से अलग काम। आप सब इस आस पास के गाँव के हैं जी, जो आपका मंदिर है इस मंदिर के पास ही आप अपना छोटा सा आउटलेट यहाँ तो लगा ही दो, एक आउटलेट बनाया मैडम यहाँ पे, शादी वगैरह होती है यहाँ। ये मैं आपको बताऊंगी सारे, देख लो एक बार सब बता दें। इनके बाद एक महिला की ड्यूटी आएगी, पर उस बीच में आप जो है एक हर्बल टी प्लान करो, जो चीज़ें आप अपने घरों में लगा रहे हैं है ना, उनका एक बढ़िया सा कलेक्शन करके एक आप सुबह के टाइम में मॉर्निंग आवर्स में एक चाय का काउंटर बनाओ अपना, आधे एक घंटे के लिए 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। उस काउंटर में क्या व्यवस्था कर सकते हैं आपके जितने भी घूमने वाले हैं कि आप फ्री में चाय पियो, वहाँ जो घूमने आता है खाली पेट आता है ना, आप उनको बोलो जी हम फ्री में चाय पिलाएंगे आपको, आप हमारी चाय पियो। जब आप उसको डेली चाय पिलाएंगे तो एक आधा दो पैकेट वो आदमी अपने घर को भी ले जाएगा आपसे। एक तो आपके पास आप फ्री में चाय पिला रहे हैं, उसके बावजूद आपसे जो है पैकेट वो आपके चाय के पैकेट्स भी बिक रहे हैं है ना। तो एक आपके ग्रुप की एक्टिविटी हो जाती है वो, नंबर एक। नंबर दो क्या कर सकते हैं आप कि जैसे आपका कोई मेला लगता है ना, आप मेले में उस मेले में जो है या कोई मीटिंग्स होती है ना, उस मीटिंग्स में भी आप ये बैठ के प्लान कर सकते हैं। एसटीएम से बोल सकते हैं कि सर हमारे जब आपके मीटिंग्स होंगी तो आप हमारी चाय पिलाएं, ठीक है। आप जो बाज़ार वाली चाय ना पिलाएं, हम गरीब लोग हैं, हमारी मदद करें आप है ना। और हम लोग बहुत मेहनत से इस चीज़ को लगाते हैं
है ना, आप हमारे को प्रमोशनल काउंटर दें कि कोई एस टी एम, कोई कोई तहसीलदार, कोई डी सी आपको कभी नहीं मना नहीं नहीं, किसी के थ्रू बात करने की जरूरत नहीं है मैडम। देखो हर आदमी अपनी रोटियां सेकता है, ठीक है ना जी। पॉलिटिकल लोग भी अपनी रोटी सेकेंगे, है ना। वो आज आपको बोलेंगे हम कराएंगे हम कराएंगे, फिर वो सारी ज़िंदगी आपको एहसान मंद रहेंगे आप उनके, है ना। तो कोशिश आप करें महिला ग्रुप बनाएं, एस एच जी बनाएं, उस एस एच जी के थ्रू जो है ना आप इस टाइप का बात करें। आप लोग टमाटर लगाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर टमाटर की खेती करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि अगर हम जो हम सूप बाज़ार से खरीदते हैं ना, सभी लोग सूप खरीदते हैं। हमारे घरों में जब बीमार होते हैं आदमी तो बोलते हैं जी इसको डॉक्टर बोलते हैं सूप पिलाओ बोलते हैं, पर आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि बाज़ार में जाएंगे, सबसे पहले रेडीमेड सूप लाएंगे, रेडीमेड सूप लाएंगे, उसको पिलाएंगे, उससे उससे क्या होता है, उससे गैस्ट्रिक हो जाती होती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं जलन हो गई बोलते उससे। तो आप देखो हर एरिया के हिसाब से चीज़ बनी है। देखो ये आपका एरिया है तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो यहीं पे होती हैं। अगर यहाँ यहाँ से ऊपर जो यहाँ सेब होता है ना जी, अगर आप यहाँ सेब उगाने की कोशिश करेंगे तो पेड़ तो हो जाएगा आपका, पर सेब छोटे छोटे लगेंगे, है ना। तो देखो कोई यूज नहीं करता, मुझे पता है गाँव में लगा होता है, बस सांझी आए बोलने, जब बीमार हो जाएंगे तो कोई याद कराएगा तब करना, ऐसे नहीं करना। हर चीज लो जो फ्रेश लगी है उसको बिल्कुल छोटा छोटा काट के सब्जी में थोड़ा थोड़ा मिक्स करो, पूरी फैमिली खाएगी। आप सब लेडीज हैं, खाना बनाती हैं, है ना। आप बनाएंगी पता नहीं चलेगा बुजुर्गों को कि क्या बनाया है, बच्चों को नहीं पता चलेगा, बच्चों को खिलाना कितना मुश्किल लगाती नहीं है, ठीक है ना। तो वही तो बड़ी हरा धनिया इतना इम्यूनिटी बूस्ट करता है देखो, है ना। इवन अगर इसमें किसी ने अपना मोटापा कम करना हो या इम्यूनिटी भी बढ़ानी हो तो रात को आप क्या कर सकते हैं ना, इसका धनिया का अगर मिक्सी में या सील बत्तू में पेस्ट बना लिया, शाम को थोड़े से नींबू के या जमेटी का जूस कपड़े इकट्ठा करके उसके साथ आप रोज लेंगे ना तो बड़ा अच्छा होता है, इससे बीमारियाँ भी दूर होती हैं, मोटापापन भी दूर होता है इससे रात को सोने से पहले, है ना। और देखो यहाँ पे जमेटी वगैरह ऐसी होती है, ये खट्टी चीज़ें क्या करते हैं और गलगल भी होता है, तो इसका भी एक तरीका है ना। जैसे आपने जो मिलता है देखो बाजार में जूस बनाने वाली मशीन मिलती है ना, जैसे आप ना जैसे सर ने बोला आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बने आपके, हाँ तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में आप ये छोटी छोटी मशीनें ले सकते हैं, 400-500 की तो आती है ये, एक दिन बैठ गए सारे एक घंटा निकाला धूप में इकट्ठे करके लाए, उसका जूस निकालना आपने ना, फिर उसको 5-6 दिनों तक क्या करना आपने शिफ्ट करना, जैसे आपने शीशे की बोतल में डाल दी, फिर ऊपर ऊपर से आपने वो दूसरी बोतल में डालना और उसके नीचे का जो वाइट है ना वो फेंक देना, क्योंकि वो जो नीचे का पाइप रहता है उससे वो क्या रहता है खराब हो जाता है, तो उसको 5-6 बार आपने क्या करना शिफ्ट करना। वो बाजार में बिकता भी है 100 रुपए किलो की बॉटल मिलती है एक, तो वो बना के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने यूज के लिए रख ली, मैं तो उनसे लेती हूँ जीवन सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडी से, और रोज थोड़ा थोड़ा ये जो खट्टी चीजें होती है ना, जैसे जूस बताया मैंने, इनमें होता विटामिन सी, विटामिन सी होता है जो हमें हमारी जैसे बोला ना कोरोना नहीं मिलती पता आपको, पता ना, तो फिर इम्यूनिटी बढ़ाती है ये चीज़ें, तो ये हमने कभी कभी नहीं लेनी, आपने क्या करनी है डेली लेनी है डेली, फिर आप यंग दिखेंगे बढ़िया पार्लर जाने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर वो थोड़ा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है रोज सुबह उठ के। बढ़िया सर ने बोला ना चाय, मैं तो ये बोलूँगी एलोवेरा, एलो मैं तो डेली मेरी रूटीन है सुबह मैं एलोवेरा फ्रेश एलोवेरा लेना, थोड़ा सा गुनगुना पानी करना, उसमें एलोवेरा का जेल हाथ से निकालती हूँ मैं, उसमें कभी नींबू का कभी जमेटी का वो जूस मिक्स करना, थोड़ा सा शायद हनी प्रोडक्शन के लिए भी एक यूनिट अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपकी बात कराऊंगी, मेरा क्लासमेट है वो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में है, तो उसने बोला था 20-30 लोगों की ट्रेनिंग कराते हैं, तो मुझे लगता है ये भी बड़ा अच्छा है कि हम हनी प्रोडक्शन की तरफ जाएं। यहाँ देखो कितने बढ़िया फूल लेते हैं बाजार से, पता नहीं कैसा रामदेव का पता, आई डोंट नो कैसा है, है ना। तो अपना तैयार करो अपने लिए, देखो आजकल कैसे कैसे बीमारी चली है शुगर कोई क्या, जब हम ये चीजें यूज करेंगे ना हनी भी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है ना, तो रोज करो अपनी आदत, और उनको छोड़ो पहले आप खुद तो अच्छे रह लो फिर मार्केटिंग। मिर्डी का क्या कर दिया, जूस तो निकाल दिया पर अब यूज उसका वो बचा छिलका उसका क्या करेंगे, क्यों फेंकते हो उसको। मैंने हम लोग क्या कर सकते हैं कि उससे ना बर्तन साफ करने के लिए जो है ना वो चीज़ बन सकती है, कैसे
देखो अब मेरे को इतना ज्यादा क्लियर तो नहीं है, पर ये है कि अब जो नींबू है ना यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में है ना, तो उसमें आप राख होती है ना राख, उसको ये छिड़के होते हैं करके आप क्या कर सकते हैं कि एक पैकिंग छोटा सा टिक्की टाइप नुमा जो है उसका वो बना सकते हैं, है ना, या कोई आप डब्बा ले सकते हैं उसमें आप उसको सेट करके वर्क कर सकते हैं, वो बर्तन मारने के काम आएगा, नहीं तो हर घर में जो है ना ये कम से कम 100 रुपये का जो है बर्तन मारने के लिए वो लगता है पाउडर और वो, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप घरों में इस्तेमाल करें, लोगों को बताएं उसके बारे में, तब ज्ञान बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। उसके बाजार लगाएं, जैसे मैंने आपको बोला ना एक औषधि बाजार या इस टाइप की जो चीज़ें आप तैयार करते हैं उसका बाजार लगाएं, जब आपको ये सब चीज़ें बी डी ऑफिस में मिलेगी तो बहुत सारे लोग प्रधान जो है वो बोलेंगे कि हमारे को चाहिए, हमारे को चाहिए, आप एक बार फ्री देंगे तो दूसरी बार लोग आपसे खरीद के लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में औषधि या पौधे या इस टाइप के कुछ रेगुलेशन लाना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा जोश के साथ, ये नहीं कि आपको यहाँ से बैग मिला हाँ जी ठीक है बैग का सब्जी पानी मिलता है ना, उसकी तरह फायदा नहीं है, है ना, ना सब्सिडीज़ इधर बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है, पर आपने ये देखना है कि हमने अपने जीवन बाजार पे बाजार के लेवल पे वो एक ऐसा काउंटर बन सकता है जिसमें आप इस टाइप की चाय एक टाइम सर्व करें, किसको कर सकते हैं, जैसे आप मॉर्निंग में मॉर्निंग और अब मैंने देखा तो मुझे कमी ला भी नहीं गई, अदरवाइज मार्च महीने में हम लोग बनाता है, हाँ वो क्योंकि वो इसलिए ना क्योंकि अब हम लोगों को जब लेना देना नहीं होता तो हम उस प्लांट की केयर भी नहीं करते, और जब हम केयर करते हैं तो फिर वो चीज़ें उगती भी हैं, आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, और कौन कौन से प्लांट होते हैं यहाँ पे, गुलांस होता है, गुडाल, तेज पत्ता होता है, तेज पत्ते का क्या करते हो आप, देखो एक चीज़ देखो अब थोड़ा सा मैडम की बात कट हुआ ना कि आजकल हो रहा है राष्ट्रीय फूल हो रहे हैं बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, और कई एरिया ऐसे हैं जिसमें इतना ज़्यादा होता है कि वो फूल वैसे ही गिरते हैं पेड़ों से, तो आप उसको इकट्ठा करके सुखा सकते हैं उसको, ठीक है, छाए में सुखाना आपने उसको, आप उसके पैकेट्स बनाएं और पैकेट बनाने के बाद आप रखें अपने पास, ठीक है ना, है ना, कोई बात नहीं आप रखें ना उसको, उसका क्या बन सकता है, उसका गर्मियों में लोग जो है उसका जूस बना सकते हैं, या वैसे भी उसको अगर बॉयल करेंगे तो बॉयल करके इस्तेमाल हो जाता है, पर मैंने कुछ चीजें नहीं वो की हम कैसी रेसिपी यूज कर सकते हैं, वैसे तो देखो फूलों का कचरू बड़ा टेस्टी बनता है, बनाया अपने कभी बेसन के साथ और मसालों के साथ, बेसन का है ना वो भी एक तरीका है, आप पाउडर कर देना, मेनली है कि उसमें अब देखो IIT ने ये खोजा है कि उसमें कोविड के लिए इफेक्टिव उसमें है प्रॉपर्टीज ब्रांस में, मतलब कोरोने को वो दूर कर सकता है, तो आप उसका पाउडर करके रख लें, जैसे आप उन्हें आपके पास पत्तियाँ हैं उनको आप पाउडर को मसालेदानी में डाल दें, जैसे आप और मसाले डालते हैं लास्ट में थोड़ी सी चुटकी आप उसकी डाल दें, एक तरीका ये है उसको यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब आप आटा गूंथते हैं एक चम्मच उसमें डाल दिया पूरी फैमिली डाल दी, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे आसपास प्लांट लगे हैं या तो हम खुद के लिए यूज़ करें, और दूसरा हम क्या करें इनकम बढ़ाने के लिए करें, इनकम बढ़ाने की बात तो तब है जब हमारे पास अपने लिए सफिशेंट है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट प्लांट है ना सारी दुनिया इनके पीछे पड़ी, आजकल गाँव में आ रही है लोगों को प्रमोद है कि दो, पहले क्या होता था बाजार की चीज़ें महंगी होती थी, आजकल क्या हो रहा है गाँव की चीज़ें महंगी हैं, है ना, तो पहले तो आपने खुद के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, और जब अपने लिए सफिशेंट है तब आप मार्केटिंग करो। अब जैसे आपने बोला बनकसार ले लेंगे रख रखेंगे जब बीमार होंगे तब यूज़ करेंगे, ये नहीं करना था आपने, अब इस टेंडेंसी को छोड़ दो, क्योंकि अब करोने जैसी बीमारियाँ और भी पता नहीं कौन कौन आएंगी, अब ये देखो कि आप दिन में कितने हर्ब्स यूज़ करते हो जो यहाँ लगे हैं, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, जो फ्रेश लेना पाउडर करना
टूथ कटनी है ना, जिसका वो निकालना एक्सट्रैक्ट, फिर वो शिफ्ट करना, 7-8 दिन लगते हैं इसको। पर इससे बेटर है इसका पाउडर बनाओ और पाउडर यूज करो। पाउडर जमीन पैदा कर, आसमान पैदा कर, जमीन पैदा कर, आसमान पैदा कर, अपना एक अलग वजूद पैदा कर। मांगने से जिंदगी कब मिलती है, मांगने से जिंदगी कब मिलती है, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। आदर अभिनंदन आभार, सर्वप्रथम मैं डिंपल शर्मा आप सभी का सरदार वल्लभ भाई पटेल कलस्ट्र विश्वविद्यालय मंडी एवं RCFC NR1 जोगिंदर नगर द्वारा औषधीय पौधों की खेती, मूल्यवर्धन और विपणन पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं आज इस मंच से अपने मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष श्री मुकेश चंदेल जी का, नोडल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र कौंडल जी का, प्रधान पंचायत बालड़ी श्रीमती डोलमा देवी जी का, किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सीताराम जी का, महासचिव धुनीचंद जी का, जिला अध्यक्ष भूप सिंह जी का, औषधीय विशेषज्ञ डॉक्टर शीतल चंदेल जी का, प्रोफेसर डॉक्टर तारा सेन जी का, गगन शर्मा जी का हिमाचल उपाध्यक्ष और किसान यूनियन संयोजिका स्नेहा शर्मा जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दे के हमें गौरवान्वित महसूस करवाया। जैसा कि हमारे देश की परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ की जाती है, तो मैं अपराजमान शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगी कि वे विद्या की देवी सरस्वती के चरणों में द्वीप प्रज्वलन करें। हमारी परंपरा कहती है कि किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ जो है वो ईश्वर के नाम से किया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मुख्य अतिथि की अनुमति चाहूंगी। साथ ही हमारे कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। धन्यवाद सर। वेलकम सर। इसके पश्चात चेतना शर्मा जी से मेरा फोटो लिंगड़ का अचार। आप कुछ अलग टाइप का प्लान करो ना। अब तो सूर्य का अचार होता है, होता ना, जो आपके पास यहाँ चीजें हैं उनका डिफरेंट अचार बनाओ ना, जो लोग आपसे ले जाएंगे। पर आपको कुछ नई सोच के साथ एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे लोग पीछे बैठाएंगे, आपकी टांगे में खींचेंगे, पर आप फिर भी उसके बावजूद जो है आप काम करें, तभी फायदा है, तभी आप हमारी बात, हमारे बोलने का भी फायदा है और हमारे काम करने का फायदा है। हाँ, जहाँ तक आई मार्केट की बात, बहुत सारे लोगों का ये बोलते थे कि डॉक्टर साहब हम प्यार तो कर देंगे, देंगे किसको। मैं जिला का नोडल अधिकारी हूँ, मैं कसूर में 11 साल से रह रहा हूँ और 11 साल से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको एक मंच प्रोवाइड करूँगा। मैंने इस चीज़ को लेके 5-7 लोग कसूर में ऐसे तैयार किए हैं जो सारा का सारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने STM कार्यालय में इस चीज़ की एक शॉप बनाएंगे, जिसमें जो है हम हर्बल टी मॉर्निंग में शुरू करेंगे और जो है लोगों को एक मंच देंगे जहाँ पर आपका शहद, लोकल घी, सारी चीज़ जो है अधिकारियों को मिलेगी। ठीक है, तो आप भी ये कोशिश करें, अपने वीडियो साहब से बात करें, STM साहब से बात करें, नई पहल की शुरुआत करें, तभी आप कुछ नया कर पाएंगे। अब बात आई कि ये जो सब चीज़ें औषधीय पौधे हैं किन किन बीमारियों में काम आते हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा कि तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत है आपकी खांसी, जुकाम। आपने देखा होगा कि आपके अधिकतर अपने परिवार में मॉर्निंग आवर्स में छोटे बच्चे जितने हैं, जितने 7-8 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन सब के क्या होता है, गले खराब होते हैं, उनको जुकाम, बुखार ये रहता है। ठीक है, उसके लिए आप हर महीने जो है कम से कम 300 या 400 रुपये जो है वो खर्च करते हैं। ठीक है, आप क्यों ना ऐसी औषधीय पौधों का इस्तेमाल करें जिससे ये दिक्कत ही ना आपको आए। ठीक है ना जी, तो आप कॉमन कोल्ड के लिए क्या कर सकते हैं, काढ़ा। अब काढ़े में भी आप ना मैडम ऐसा कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप ऐसा काढ़ा बनाए। क्या काम है जौ का, देखो कल सुनो, कल कर रहे हैं जौ हम कहाँ यूज करते हैं, पिंडदान के लिए या हम करते हैं हवन में। जब हवन में हम बुजुर्ग यूज करते हैं उसमें हाईली कैल्शियम होता है, सातु का द्रगुन, ये सातु
कहा है सातु? अगर आप सातु अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, मोटा करके भूलना मन जो कुछ भी है, तो उससे क्या होगा? कभी कैंसर जैसा रोग नहीं होगा, पेट के रोग नहीं होंगे। समझे मेरी बात है? तिल का सेवन कीजिए आप लोग, आप जौ का कीजिए। पोतरा कितने आदमी ने खाया हुआ है? पोतरे अगर खाने से जो है कभी सुपर जैसे रोग नहीं होंगे, बहुत अच्छी चीज है ये भी। बाकी कांगनी वगैरह जैसे अब इसमें आप बताएंगे, कांगनी का अगर आप कभी मिल जाती है बीज जो अपने लिए, कभी लीवर का रोग नहीं होगा। समझ गए? शुरू होंगे हम उन्हीं का सामान बेचते हैं अभी। तो मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, मैं बता दूंगी आपको कि क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं। तो आप यहाँ देख लो क्या चीजें यहाँ पैकिंग होती हैं, क्या चीजें आप पैकिंग बना के दे सकते हो। तो मैं उनके पास वो लिस्ट दे दूंगी यहाँ से, जब आपकी वर्कशॉप खत्म होगी। तो यहाँ पे सारे ऐसे रख दिया आपने, जैसे बनक सर्व दिया कुछ जो जिसके पास भी सरप्लस है। अब यहाँ पे देखो खाना बनेगा, चाय सर्व होगी, तो वही चीजें डाली जाए, है ना। तो एक शॉप लगा दो वहाँ पे, सारी चीजें बेचे, और जब भी कुछ होता है कम्युनिटी के प्रॉपर पैसे लगे हैं तो उसमें से वो चीजें लेके वहाँ पे वो हो जाए, यूज हो जाए। और भी देख लो इसमें कौन कौन से प्लांट है, किस किस की आप मार्केटिंग कर सकते हो, हर चीज की मार्केट वैल्यू है। मुझे बता दो कि मैडम ये प्लांट है, और एक लिस्ट भी दे दो कि हम इन चीजों को बेच सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा भी पर सोचा, आप मुझसे कोई बात कर रहे थे ना उनके बारे में, जहाँ से मुझे अनपाल मेरे को ड्यूटी जाना था, तो वो रुपये मैडम हमारी पांच दुकान है अभी। और हमने यहाँ पे सारे ऐसे रख दिया आपने, जैसे बनक सर्व दिया कुछ जो जिसके पास भी सरप्लस है। अब यहाँ पे देखो खाना बनेगा, चाय सर्व होगी, तो वही चीजें डाली जाए, है ना। तो एक शॉप लगा दो वहाँ पे, सारी चीजें बेचे, और जब भी कुछ होता है कम्युनिटी के प्रॉपर पैसे लगे हैं तो उसमें से वो चीजें लेके वहाँ पे वो हो जाए, यूज हो जाए। और भी देख लो इसमें कौन कौन से प्लांट है, किस किस की आप मार्केटिंग कर सकते हो, हर चीज की मार्केट वैल्यू है। मुझे बता दो कि मैडम ये प्लांट है, और एक लिस्ट भी दे दो कि हम इन चीजों को बेच सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसा ही पर सोचा, मुझसे कोई बात कर रहे थे ना उनके बारे में, जहाँ से मुझे अनपाल मेरे को ड्यूटी जाना था, तो वो रुपये मैडम हमारी पिंटो में पाँच दुकान है अभी। और हम ये छोटे बल्लू बनाने नमक बनाए, नमक खेल जिन जिन एरियो में जो जो चीजें होती है उसको उसका बढ़ावा दो। आपके पास वृक्षा इकट्ठा होता है और जगह नहीं मिलता, कई जगह वृक्षा तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो उस वृक्षे को इकट्ठा करके जहाँ पर भी लोग चाय बनाते हैं, आपके रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार कोई जोगिंदा नगर में है, कोई सरकाघाट में है, कोई मंडी में है, कोई कुशोक में है, अलग अलग जगह है ना जी। तो आप अपने जो आपके प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट्स को आप वहाँ पर दे उनको, आप सैंपल्स भेजें कि आप वहाँ से एक पीस तो एक डब्बा तो ले जाओ, जब उनको पसंद आएगा तो लेंगे और आप, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो भी आप चीज़ तैयार करते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर एक आदमी लहसुन लगा रहा है तो सारे लोग लहसुन लगाएं, अलग अलग चीज़ पे। आप 100 महिलाएं, 10 महिला एक चीज़ पे काम करें, 10 एक पे करें, 10 एक पे करें, तो आपके पास 10 चीज़ें बन जाती है, ठीक है ना जी। आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट सारी जगह बाजार में मिल रहा है, ठीक है। आप कहीं पर भी जितने आपके बच्चे हैं, जितनी महिलाएँ जो शहरों में रह रही है, वो बोलते हैं जी हम तो बाजार से ले लेते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। कभी आपने कोशिश की कि अदरक और लहसुन का पेस्ट हम अपने आप बनाएं, अपने आप डब्बे बनाएं, है ना। आप अदरक इस्तेमाल करते हैं ना सारे लोग, हम लोग चाय में अदरक इस्तेमाल करते हैं, पर कभी हमने सोचा कि हम अदरक को छिल के उसके स्लाइसेस बनाएं छोटे छोटे, जैसे गर्म पानी है। बहुत सारे होटल्स में क्या होता है कि वो गर्म पानी में बनक्षा हो गया या ऐसा हो गया, तो अगर वो गर्म पानी अगर आप बोलेंगे ना कि अदरक वाली अदरक वाला गर्म, और अब मैंने देखा तो मुझे तो मिला ही नहीं थी, मार्च महीने में हम लोग बनक्षा, हाँ वो
क्योंकि वो इसलिए ना क्योंकि अब हम लोगों को जब लेना देना नहीं होता तो हम इस प्लांट की केयर भी नहीं करते, और जब हम केयर करते हैं तो फिर वो चीजें उगती भी हैं। क्या क्या प्लांटेशन होती है मैं बताऊंगी कि कैसे आप इन चीजों को आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और कौन कौन से प्लांट होते हैं यहाँ पे? गुलास होता है, गुटार, तेज पत्ता होता है। तेज पत्ते का क्या करते हो आप? देखो आजकल हो रहा है राष्ट्रीय फूल बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, और कई एरिया ऐसे हैं जिसमें इतना ज्यादा होता है कि वो फूल ऐसे ही गिरते हैं पेड़ों से, तो आप उसको इकट्ठा करके सुखा सकते हैं उसको, ठीक है, छाया में सुखाना आपने उसको, आप उसके पैकेट्स बनाएं और पैकेट बनाने के बाद आप रखें अपने पास, ठीक है ना, है ना, कोई बात नहीं, आप रखें ना उसको, उसका क्या बन सकता है, उसका गर्मियों में लोग जो है उसका जूस बना सकते हैं, या वैसे भी उसको अगर बॉयल करेंगे तो बॉयल करके इस्तेमाल हो जाता है, ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। इवन आप ना और चीजों में भी कर सकते हो, मैं तो ये तो तुम्हारी ट्रेडिशनल चीजें थी, पर मैंने कुछ चीजें नहीं वो किया कि हम कैसी रेसिपी यूज कर सकते हैं। वैसे तो देखो फूलों का कचरू बड़ा टेस्टी बनता है, बनाया अपने कभी बेसन के साथ और मसालों के साथ, बेसन का है ना, वो भी एक तरीका है, आप पाउडर कर देना। मेनली है कि उसमें अब देखो IIT ने ये खोजा है कि उसमें कोविड के लिए इफेक्टिव उसमें है प्रॉपर्टीज, ब्रांस में मतलब कोरोना को वो दूर कर सकता है, तो आप उसका पाउडर करके रख लें, जैसे आप उन्हें आपके पास पत्तियाँ हैं उनको आप पाउडर को मसालेदानी में डाल दें, जैसे आप और मसाले डालते हैं लास्ट में थोड़ी सी चुटकी आप उसकी डाल दें। एक तरीका ये है उसको यूज़ करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब आप आटा गूंथते हैं एक चम्मच उसमें डाल दिया, पूरी फैमिली डाल दी, ये सबसे बेस्ट तरीका है। देखो दो तरीके की चीज़ें हैं, एक तो जो हमारे आसपास प्लांट लगे हैं या तो हम खुद के लिए यूज़ करें, और दूसरा हम क्या करें इनकम बढ़ाने के लिए करें। इनकम बढ़ाने की बात तो तब है जब हमारे पास अपने लिए सफिशेंट है, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट प्लांट है ना, सारी दुनिया इनके पीछे पड़ गया, अक्सर गाँव में आ रही है लोगों को प्रमोद है कि दो, पहले क्या होता था बाजार की चीज़ें महंगी होती थी, आजकल क्या हो रहा है गाँव की चीज़ें महंगी हैं, है ना, तो पहले तो आपने खुद के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ी होनी चाहिए, और जब अपने लिए सफिशेंट है तब आप मार्केटिंग करो। अब जैसे आपने बोला बनक साल ले लेंगे रख रखेंगे, जब अपने कार होंगे तब यूज़ करेंगे, ये नहीं करना था हमें, अब इस टेंडेंसी को छोड़ दो, क्योंकि अब करोना जैसी बीमारियाँ और भी तरह की कौन कौन आएंगी। अब ये देखो कि आप दिन में कितने हर्ब्स यूज़ करते हो जो यहाँ लगे हैं, बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, जो फ्रेश लेना पाउडर करना तो आप जो कर्मठ महिला है, वो फूल फूक मारने को जड़े भी 1500 से 2000 रुपए दिखते हैं डैंडेलियन के नाम से, है ना, ये तो लगेगा यहाँ बड़ा कॉमन होगा, ये थोड़ी बात पत्तियाँ यूज करनी साग में करो, ये वाली चीज है ना जो नाले वाली जगह है वहाँ पे लगा सकते हैं हम साइड साइड में, ये तो आप ऐसे लगाओ फिर बार बिकती है, तो बीज लाते ना आप क्या मिलेगा सर? ग्रुप वहाँ का भी टी शर्ट मिलेगा, उसमें 10 लाख रुपये का प्रावधान होगा, उसके साथ ही बैंक का सर। मैं मैडम से आगे भी यही आशा करती रहूँगी कि जो आने वाली जो स्कीमें हैं वो हमें बताएं, और महिलाओं को हम एकजुट करके जो है आगे जो स्कीमें हैं उनका हम आगे आगे प्रयास करेंगे, उनको छात्र को उतारने की कोशिश करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है, वही हुए हैं सफल जिंदगी में, उन्होंने ही इतिहास रचाया है। मैडम की बातों का प्रभाव मेरे शब्दों से ज्यादा आपके चेहरों की चमक पे दिख रहा है मुझे। इसके पश्चात मैं अपने आज के मुख्य अतिथि महोदय जिला उपाध्यक्ष मुकेश चंदेल जी को, उनसे मेरा आग्रह रहेगा जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कि वे मंच पर आएं और अपने वक्तव्य से हमें कृतज्ञ करें।
तालियों से स्वागत है मुख्य अतिथि महोदय जी का। धन्यवाद। आज माँ बुढ़ी भैरवा के प्रांगण में जो मातृशक्ति का जो आज एक मेडिसिन प्लांट बोर्ड की ओर से या विभाग की ओर से जो तीन चार विभागों का मिलकर आज एक कार्यक्रम आयोजन किया, उसके बीच में हमारे बीच में पहुंचे डॉक्टर कौंडल जी, मैडम तारा सेन जी और सीताराम जी, इनकी सारी टीम और चंदेव साहब, और इस सब कार्यक्रम के सूत्रधार भाई गगन जी, ये रात दिन किसानों से महिलाओं से बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से इन्होंने इस मूवमेंट को छेड़ा है और इनकी धर्मपत्री इनकी इनके सहयोगी के रूप में और उनके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पंचायत की टीम भाई पूर्ण जो हमारे बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ वार्ड के सदस्य भी, जो आप सबने चाहे डॉक्टर साहब ने रखा चाहे मैडम ने रखा, जो सारी विषय आपके सामने आए, अगर आप मातृशक्ति एक बार सोच ले, मुझे लगता है वैसा ही होगा, क्योंकि आपके साहब भी जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे। परंतु आपको एक मन में एक ठाननी पड़ेगी कि ये करना है हमने और उस पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मंडी को हमें यूनिवर्सिटी मिली है और मैडम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के रूप में यहाँ आई हैं और ठाकुर जयराम जी ने हमें यूनिवर्सिटी मंडी में दी, जिसमें हम कल्पना नहीं कर सकते थे भी यूनिवर्सिटी भी मंडी में बनेगी। ठीक है, ये साफ सभी विधायक के पात्र हैं, क्योंकि हमारे बच्चियाँ हमारे बच्चे जो शिमला पढ़ने जाते थे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हमारी बेटियाँ जाएगी पता नहीं वहाँ सुरक्षित है कि नहीं है, अब घर से जाएंगी मंडी पढ़ेंगी शाम को घर आएंगी,